नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और वर्तमान समय में हम लोग अभ्यास प्रश्नों की एक श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग उच्च न्यायालय टॉपिक से संबंधित जो भी विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी सवालों को देखने का प्रयास करते हैं। और उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी सिविल सेवा के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर है वो पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है, जहां पर तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक स्तर पर आपके अंदर समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो उस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक से अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग हल कर लेते हैं तो एक बेहतर समझ इससे विकसित हो जाएगी। तो आइए एक एक करके इन सवालों को हम लेने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही है। द्वितीय अपीलीय उच्चतम न्यायालय द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की करता है। यहाँ पर ये वाक्य गलत है और इसमें ये पूछा है कि क्या नहीं है सही, और जो गलत है वही यहाँ पर सही उत्तर होगा, अर्थात विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की समेकित निधि या संचित निधि एक ही होता है, अर्थात विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। एक्चुअली उच्च न्यायालय कि जब न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनके पेंशन जो होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन जब तक वो कार्यरत होते हैं क्योंकि वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, वो राज्य की सेवा में होते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि तब तक इन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। IAS 2002 ईस्वी में एक सवाल पूछा भी जा चुका है। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के पेंशन कहाँ से। अभी जो पूर्व में हम लोगों ने व्याख्या किया उसी से संबंधित ये सवाल है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। ये भारत की जो है संचित निधि से दी जाती है। यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही होगा, अर्थात इस तरीके के सवालों पर काफ़ी सावधानी होने की अपेक्षा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु है। यहाँ पर 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, उस समय जब ये सवाल पूछा गया था तो 62 वर्ष था, लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं होगा। वर्तमान समय में 114वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी सेवानिवृत्त आयु जो है वो 65 वर्ष कर दी गई, अर्थात इसमें सही जो उत्तर होगा वो ए होगा। इसका थोड़ा सा हम लोग नीचे व्याख्या भी है जिसे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष थी, लेकिन जो है 65 वर्ष करने हेतु जो है 114वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे पारित भी कर दिया गया, अर्थात अब मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है वो 65 वर्ष हो गई है। यद्यपि वेतन अंतर होता है लेकिन सेवानिवृत्त आयु दोनों का जो है समान ही होता है। अगले सवाल को हम देखेंगे, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह, देखिए उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वो न्यायिक काम करता है और दूसरा वो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है। जब वो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अपनी निचली अदालतों में पर्यवेक्षण, अधीक्षण और प्रशासन नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है, और इन कार्यों में जो है अपव्यवहार करने पर अन्य न्यायाधीशों की रीटों की अधिकारिता में आता है, अर्थात विकल्प संख्या ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो विधिक और अन्य प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी किया जा सकता है, अर्थात यहाँ पर ये उपरोक्त सभी का विकल्प यहाँ पे सही होगा। विकल्प संख्या डी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय में से किसके क्षेत्राधिकार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है और कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसके आसपास में है, इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय
के अधिकार क्षेत्र में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है उच्च न्यायालय जो है कार्य को संलग्न किया गया है। विकल्प संख्या बी यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो है कलकत्ता जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा से एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यहाँ पर बम्बई इसका सही उत्तर होगा क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उच्च न्यायालय क्षेत्र को भी जो है संलग्न किया गया, जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव और इसी तरीके से गोवा को आते हैं, जबकि लक्षद्वीप जो है वो केरल के उच्च न्यायालय से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर बम्बई इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में 2013 ईस्वी में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 2013 ईस्वी में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, इसके लिए जब हम वीडियो लेक्चर पाठ्यक्रम आधारित ले रहे थे तो वहाँ पर एक सूत्र ममेती बताया था जिसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो इन तीनों राज्यों में से यहाँ पर मेघालय और त्रिपुरा अर्थात विकल्प संख्या बी इसमें सही होगा, जिसमें दो और चार दोनों ही जो है विकल्प दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विकल्प संख्या बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो यहाँ पर मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में है कि दोनों में इस मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं जो, तो विकल्प संख्या बी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यानी कि परमादेश रिट जारी करता है, जिसे मैंडमस जो है कहा जाता है, विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं, परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के साथ में जो है प्रयोग में लाया जाता है, जबकि प्रारंभिक कुछ मामले यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं, निरीक्षण का अधिकार होता है, अपील के अधिकार होता है, अर्थात यहाँ नहीं पूछा है और जो गलत होगा वही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प संख्या ये इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। जब कार्यवाही लंबित होती है तो वहाँ पर प्रतिषेध लागू कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय यदि अपने अधिकार क्षेत्र या इस आधार पर किसी तरीके से सुनवाई कर रहा होता है तो उसके रिट की सुनवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जो है जारी कर दिया जाता है। अगला सवाल है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट के संदर्भ में बताया गया है, उत्प्रेषण रिट ये अधीनस्थ न्यायालय को कि वह जो है पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उसे हस्तांतरित कर दें, जहां पर यह सुनवाई के दौरान परमा प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है वहीं पर इसमें जो है अभिलेख और मामले के स्थानांतरण के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, अर्थात विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है, यही उत्प्रेषण ही करता है क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है वह देखा जाता है कि किस तरीके से वह कार्य कर रहा है और कैसे नहीं कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वक्तव्य दिया गया है एक कथन और दूसरा कारण कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है, एकदम करेक्ट वाक्य है। दूसरा है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायालय को जो है अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि यदि न्यायिक सक्रियतावाद जो है और वो अवमानना जो कि कोर्ट आदेश देता है किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान कंप्लायंस के लिए अनुपालन के लिए, यदि उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो वो अवमाननापूर्ण व्यवहार हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको लागू करने के लिए दंड नहीं दिया जाता है तो उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। वाक्य दोनों अपने स्तर पर सही हैं लेकिन पहले की व्याख्या दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, व्याख्या नहीं करता पर दोनों वाक्य सही हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे।
जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। जन सहयोगी नागरिकों यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन जो व्यक्तियों की सहयोग कर सकता है, डेफिनेटली ये वाक्य सही है। और दूसरा यह है कि कैसे देता है, अब उसी को देखना है कि जन सहयोगी व्यक्ति व्यक्ति के लिए न्याय की मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय पहुंच पाने में असमर्थ होते। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही वाक्य सही हैं और व्याख्या भी उसका करता है कि जनहित याचिका जो है जन सहयोगी व्यक्तियों को न्यायालय जाने की स्वीकृति देता है और जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सकता है जो कि किसी कारण से न्यायालय नहीं पहुंचता। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी उसका, तो वाक्य संख्या एक यहां पर सही होगा। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और दूसरा वाक्य है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला है। यहाँ पर हम दोनों वाक्यों को पहले अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, जैसे पुनरीक्षण या पुनरावलोकन या समीक्षा जो भी कहा जाए, तो यहाँ पे सीमित है। भारत सहित जो पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में न्यायालय को मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब न्यायालय की जो है सख्ती की बात होती है तो दुनिया में अमेरिका का जो न्यायालय है वो सबसे शक्तिशाली न्यायालय है, सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि वहाँ पे विधि की उचित प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे जो उचित होता है उसके आधार पर न्यायालय मामले की व्याख्या करता है और उसकी शक्ति अत्यंत ही व्यापक हो जाती है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ विधि की जो व्यवस्था है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत जो है न्यायालय पुनरीक्षण करता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तुलनात्मक रूप से पूरी दुनिया के, तो भारत का जो न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र है वो निश्चित तौर पर अमेरिका से कम है, अर्थात वाक्य संख्या एक यहाँ पर सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। इसको थोड़ा सा विश्लेषित करने की आवश्यकता है कि यद्यपि भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की समितियां और संविधान सभा बनी थी और दुनिया के विभिन्न देशों से हम संविधान का अध्ययन करके उसके प्रावधानों को भारत में लागू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि प्रावधानों को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया गया, बल्कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति, यहाँ की विशेषता, यहाँ की भाषा, यहाँ का क्षेत्रवाद, यहाँ की संस्कृति आदि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया और लागू किया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से प्रभावित है, लेकिन उसे उधार का थैला कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि कहा जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये भारतीय संविधान कि छवि को सीमित कर देता है। ऐसी स्थिति में ये वाक्य यहाँ पर गलत होता है। तो वाक्य संख्या एक यहाँ पे सत्य है, बी जो है यहाँ पे गलत है। यद्यपि इस तरीके के सवाल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कई बार पूछे गए हैं जिसमें विकल्प संख्या डी भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर तथ्यों का भारतीय संविधान, उसके लोकतंत्र, यहाँ की समरसता को ध्यान में रखते हुए व्याख्यायित किया जाए तो निश्चित तौर पर यह विकल्प संख्या सी ही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही आदेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर यह देखना है कि पहले वाले में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर है और दूसरे में हमें यह देखना है कि क्यों बेहतर है। अगर वो क्यों का उत्तर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरा वाक्य भी सही हो जाएगा और पहले की व्याख्या करता है। तो दूसरे में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही रिट जारी कर सकता है, तो इसी आधार पर ही यह सिद्ध होता है कि पहला वाक्य सही है। तो यहाँ पर वाक्य भी दोनों सही है और इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए, जबकि उच्च न्यायालय जो है मौलिक और विधिक न्याय दोनों ही प्रकार के अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन मजिस्ट्रेट, अभिकरण न्यायालय नहीं, लघुवाद। तो यहाँ पर नहीं पूछा है और जो गलत है वही इसका उत्तर होगा। अधिकरण यानी कि जो भी ट्रिब्यूनल इत्यादि हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं जो है की गई हैं संविधान के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है, एकदम सही व्यवस्था है।
उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात कही गई है और यहाँ पर भारत में किसी भी न्यायालय की बात कही गई, जो कि गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो उसी उच्च न्यायालय को छोड़कर के अन्य उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अभिवचन कर सकता है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ का न्यायाधीश जो होता है वो किसी न्यायालय में नहीं काम कर सकता। अर्थात वाक्य संख्या एक तो सही है लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है, अर्थात उत्तर यहाँ पर ए सही होगा, जो कि आईएएस 2007 में पूछा जा चुका सवाल है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति को करेगा, क्योंकि जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है उसी को दिया जा सकता है त्यागपत्र। वो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में देखें तो वहाँ पे भी इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं देखी जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजपत्रित पद पर है तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। इसी तरीके से जो भी नियुक्त कर्ता प्राधिकारी होता है, जैसे प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षक है तो उसका नियुक्ता या नियुक्ति प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षक अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी या डीएम को नहीं देंगे, बल्कि नियुक्ता अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि जो नियुक्ता होता है, जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और उसी को यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सवाल यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में चलित न्यायालय, जिसे कि मोबाइल न्यायालय कहा जाता है, ध्यान रहे कि हम एक लेक्चर जो है अन्य न्यायालयी अवधारणा के संदर्भ में लिया था, जिसमें ई न्यायालय, मोबाइल न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय और लोक अदालतों के संदर्भ में व्याख्या किया हुआ था, जहाँ पर हमने चलित न्यायालय के संदर्भ में व्यापक डिटेल में जो है चर्चा किया था। भारत में इसका मानस पुत्र का मतलब जिनको वैचारिक रूप से उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया, तो मानस पुत्र उन्हीं कहा जाता है जिन्होंने इसका विचार दिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है न्यायिक व्यवस्था को तृणमूल स्तर या ग्रामीण स्तर पर प्रस्तुत पहुँचाने के लिए 2007 ईस्वी में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था और इसकी स्थापना सबसे पहली बार 2007 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में की गई थी। तो इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि भारत में जो चलित न्यायालय का कॉन्सेप्ट है या मोबाइल कोर्ट की जो अवधारणा है वो सबसे पहले भारत में APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था और 2007 ईस्वी में इसे हरियाणा के मेवात में लागू किया गया था। अगला सवाल है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध जिसको कहा जाता है, किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना रखा जा सकता है। इसमें अंतर्गत जो ये व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत जो ये व्यवस्था बनाई गई है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत व्यवस्था भारत में किया गया है। तो 22 के अंतर्गत जो निवारक निरोध की जो व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति शत्रु देश का है या इस तरीके से जो है कोई व्यक्ति जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित हो सकती है तो उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए हुए, और ऐसी स्थिति में उसे 3 माह के लिए जो है रखा जाता है जो है कैदखाने में। लेकिन 3 महीने से अधिक समय के लिए अगर उसे रखना है तो ऐसी स्थिति में उस पर जाँच का जो है विषय बन जाता है। तो सामान्य स्थिति में बिना मुकदमा अगर चलाएं देखा जाए तो वो 3 माह तक के लिए इस तरीके का जो प्रावधान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यह है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता, आपराधिक की नहीं। अगला, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अधिनियम के जो प्रावधान है उसको व्याख्या में देख लेते हैं कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ईस्वी में पारित किया गया। ये भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ईस्वी में पूछा गया है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि सिविल और आपराधिक दोनों ही किस्म के मामलों की ये सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य चूँकि आपराधिक मामलों में नहीं है, अर्थात ये वाक्य यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा है, धारा 27 के अनुसार ये स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो है जानकारी रखते हैं, सक्रिय हैं व्यक्ति, उनको सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। वाक्य संख्या 2 यहाँ पर सही है। आइए, 2016 में ये सवाल पूछा जा चुका है,
तो हम यहाँ पर विकल्प बी को जो है सही उत्तर मानेंगे, क्योंकि वाक्य एक गलत है और दो सही है। तो विकल्प बी में जो केवल दो लिखा हुआ अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के उच्च न्यायालय से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत अभी तक लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी सवाल पूछे गए थे हमने उसको इसमें संकलित किया और उस पर व्याख्या सहित जो है हल करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा या एक बेहतर तथ्यात्मक समझ विकसित करने में मदद करेगा। तो आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित सवालों को हल करने में आप लोगों को आसानी हो, सवाल गलत ना होने पाए। और इससे आधारित इस पर जो वीडियो लेक्चर है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो पाठ्यक्रम आधारित एक तथ्यात्मक और अवधारणात्मक जो है लेक्चर था, जिससे कि जो पूरे टॉपिक को समझने में आपको मदद करेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।